क्यों वैज्ञानिक गैलीलियो और आइंस्टीन को गलत साबित करना चाहते हैं। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी गैलीलियो गैलीली पीसा की मीनार के शीर्ष पर चढ़े और दो अलग अलग आकार के गोले नीचे गिराए। उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हुए कहा, जिसमें बाद में आइंस्टीन ने भी अपनी बात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा सिद्ध भी करी थी। गैलीलियो गैलीली ने यह कथन कहा कि दैश वस्तुएं अपने आकार की परवाह किए बिना सामान्य एवं उसी दर पर गिरती हैं। अभी भी 2 साल तक अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को सैटेलाइट में मुक्त रूप से गिरने के बाद, जो कि एक दूसरे के प्रतिशत के ट्रिलियन के भीतर थीं, वैज्ञानिकों के एक समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि गैलीलियो और आइंस्टीन सही थे। इस कथन को समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी करा है और निष्कर्ष हर बार सम्मान ही पाया गया है, परंतु वैज्ञानिक अभी भी संतुष्ट नहीं है और कहना है कि कोई न कोई अपवाद एक्सेप्शन जरूर होगा जो इस दायरे को गलत साबित कर पाए। कई वैज्ञानिक आज भी यह बात स्वीकार करने से कतराते हैं। ऐसा इसलिए है भी कहा जा सकता है क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की राय अभी भी आपस में एक दूसरे से अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स और सापेक्षता सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी, यह दो ऐसी नींव है जिनके ऊपर पूरी भौतिक विज्ञान बनी है, जिसे आज हम पढ़ते हैं, पर आज भी हम इनके विषयों और सिद्धांतों के ऊपर एकीकृत नहीं है।